बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो गई है, क्योंकि आज आयरलैंड और यूएसए का जो मैच था वो बारिश ही नज़र हो गया है। अंपायर्स ने खासा वेट किया, लेकिन फिर 10:30 बजे करीब दोबारा जब बारिश शुरू हुई तो मैच को कैंसिल कर दिया गया है और ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि ये मैच अबेंडेंड है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एज ए कॉन्सिक्वेंस या उसके रिज़ल्ट के तौर पे इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और वही बात है कि कहा जाता है कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी कि वक्त पर लगाया गया एक टांका बात के 9 टांकों से बेहतर होता है, कि बात के मसाइल से बचाता है। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका और इंडिया में से एक मैच भी जीत जाता तो आज ये सूरत हाल पाकिस्तान को फेस ना करना पड़ती। अब पाकिस्तान 2 आसान मैच जो थे वो हार के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। इंडिया के खिलाफ मैच पाकिस्तान ने जब बॉलिंग करा ली थी तो आसान ही हो गया था, और अमेरिका जैसी टीम से हारने कोई तोप नहीं बनती थी। बहरहाल जी, पाकिस्तान अब ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से नॉकआउट है। संडे वाले दिन ज़रूर आयरलैंड के साथ मैच है, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो ये दोनों टीमें फॉर्मेलिटी पूरी करेंगी। अगर मौसम ही ठीक हुआ और हालात ने इजाज़त दी तो मैच होगा। पाकिस्तान 2023 के ODI वर्ल्ड कप से भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, और अब T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, और पाकिस्तान को अब 2026 के T20 वर्ल्ड कप का भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, जो एक और मुसीबत है पाकिस्तान के लिए।